श्री राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक विश्वास की डोर की मैं आपको एक वाक्य घटना जो है अभी थोड़ी देर पहले घटित हुई है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग समझो कि किसी के मन में होता है ना कि भगवान नहीं सुनते, भगवान नहीं सुनते। नहीं, भगवान सुनते हैं, सब करते हैं। बस हमारी क्या इच्छा है, हम क्या मांग रहे हैं उनसे, फर्क बस इतना ही है। हो सकता है कि आप कुछ जो मांग रहे हो वो आपके योग्य ही ना हो, या आप उस चीज़ के योग्य ना हो, मुझे नहीं पता। आप इस घटना को ज़रा सुनिएगा और अपने पर महसूस कीजिएगा, और फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इस घटना से मतलब क्या देखने को मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है। मुझे जो समझ में आया मैंने समझ लिया, बाकी मेरे बाकी बिहारी की जो इच्छा। महज 3 दिन पहले की बात है, मैं मन में सोच रही थी कि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे रोज़ कोई साधु संत मंदिर से या फिर हर जगह से आ ही जाते थे, लेकिन अभी हमारा जहाँ शिफ्टिंग हुआ है यहाँ पे, मतलब इस जगह पे मकान है जहाँ पे रास्ता अभी नहीं है इतना खुला हुआ, या कोई और हाउस नहीं है, है भी तो मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई भिक्षु भिखारी या संतों का आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एरिया वो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं 3 दिन पहले मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि प्रभु यहाँ इस द्वार पे किसी संत का या फिर किसी भिक्षु भिखारी का मतलब मुमकिन ही नहीं है नारायण, और ये कैसे किस जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे दर्शन ही नहीं होते। मेरे बचपन से मतलब ये भाव रहा है कि भाई आए, मतलब आते भी रहे हैं, लेकिन यही एक घर है जो मतलब बहुत एकांत में है और किसी का आ ज़्यादा किसी का आगमन नहीं है, रोड नहीं है। तो अभी मैं अपने पूजा स्थली पे बैठी थी नारायण के सामने, और बस फिर मेरे मन में यही चीज़ आ रही थी और मन में यही ख्याल आ रहा था, और आते आते मैं भावुक हो गई थी, और मतलब मैं वैसा प्रभु से मांगती हूँ कि प्रभु जो भी है मतलब थोड़ी सी सेवा ज़रूर दीजिएगा, सभी के जीवन में हो, जैसा भी हो, मैं तो जो भी होता है वो भी बहुत कम है हमारे लिए, इस शरीर से जितना हो जाए उतना बहुत है, कम ही रहेगा जीवन काल में। तो कान्हा जी से अपनी मन की बात चली रही थी कि अचानक जिस जगह में बैठी हुई थी आसन लगा के, वहीं से एकदम से दरवाजे पे कोई आया पानी के लिए, तो मैं बाहर निकली और जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि शायद ये नॉर्मल बात हो सकती है सभी के लिए, पर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो द्वार पे खड़े थे वो ग्वाले थे वो, और उनके पीछे बहुत सारी नन्ही नन्ही गायें हैं, वो गाय चराने वाले हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थानी रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन जो भाव मैं मन में प्रकट कर रही थी कान्हा जी के सामने, वही समय अचानक से एक ग्वाले का आना, और वो भी इतनी सारी छोटी छोटी और गैया मैया के साथ आना, मेरे लिए मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ है आज। बस प्रभु की लीला समझी, और उनको जो भी हुआ प्रभु ने का प्रसाद दिया, मगर प्रभु
आप सच में बहुत धन्य हैं, आप सच में बहुत कृपालु हैं, इस जगह पे मतलब आने का कोई मुमकिन ही नहीं है। देखो कहाँ से प्रभु ने किसे भेजा है। मैं एक क्षण के लिए तो जैसे ही मैंने उनको देखा, क्योंकि उनका भेष हमारे जो कान्हा जी ब्रिजवासी का जो पहनते हैं कपड़े, ब्रिजवासी जो पहनते हैं सेम ब्रिजवासी सफ़ेद रंग का कुर्ता धोती और हाथ में लठ और पानी की बोतल। एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि हे नाथ कहीं आप तो नहीं हो ना, अगर हो या ना हो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए तो आप ही हो। जो भी हो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या महसूस किया। बाकी मेरा कार्य यही है कि मैं अपने प्रभु की लीला का गुणगान करूं। तो श्री राधे राधे आप सभी को। और इसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, तो उसे देखना ना भूलें। श्री राधे राधे। मैं छोटी छोटी गैया और ग्वाल जी के तस्वीर आपके छोटी सी वीडियो मैंने निकाली है, वो वीडियो मैं आपको सेंड इसमें दे रही हूँ, आप ज़रूर देखें। श्री राधे राधे।